नमस्कार दोस्तों, आज हम 26 अगस्त सेकंड शिफ्ट में मसीही कॉलेज में आए हुए हैं, स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ पर चूंकि पिछले कई दिनों से क्वेश्चंस 19-20 तारीख से पेपर बदले हुए हैं, थोड़े से चेंजेस हुए हैं, उनको लेकर के आज क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या बदलाव हुए हैं, उनके बारे में चलिए जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामकन्या दांगे। अच्छा, कैसा रहा पेपर आपका? ईजी था। मतलब अच्छा, लैब में लगभग अगर बोले ओवरऑल नंबर कितने किसी के, क्योंकि लगातार नंबर कमा रहे थे, तो कैसे नंबर रहे आपके? हमारे लैब में 4 लड़कियां थी, उसमें सिर्फ मेरे आए 62। और जो अदर और भी बच्चे थे, तो लैब में हाईएस्ट कितना रहा होगा? पता नहीं, मैंने पूछा। अच्छा, ऐसा। और जो टॉपिक जैसे मैथ में चल रहे थे, थोड़ा सा मैथ में क्वेश्चंस बदले थे, कुछ बदलाव हुए? नहीं, वही आ रहे थे मैथ में, और रीजनिंग भी वही था। अच्छा, नंबर सिस्टम सुनने में आया था, नंबर सिस्टम बढ़ गया, कैसे था? नहीं बढ़ा, इतने थे सब लोग। पूछा ही नंबर सिस्टम था। CISI वगैरह? CI के थे, OSI के भी रहे। अच्छा, ब्याज के प्रतिशत के थे ना उनके भी? अच्छा, उनके भी क्वेश्चन लगभग दो चार जैसे चल रहे थे वैसे? हाँ। चल रहे हैं, वही हैं। अच्छा, फिर इसके बाद रीजनिंग में कैलेंडर चालू हुआ था, क्या कैलेंडर था आज भी? कैलेंडर था सर, आज कैलेंडर था, क्योंकि दो दिन से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है ना। घड़ी में एंगल वाले क्वेश्चन घड़ी के भी थे है ना। मिरर वाले क्वेश्चन जो चल रहे थे, मिरर वाले भी क्वेश्चन आ रहे थे है ना। अच्छा, GS में जो कठिन हुआ, बहुत कठिन हो गए थे क्वेश्चन, ऐसा लग रहा था, बच्चे कह रहे थे बहुत हावी हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। आज GS ठीक था? हाँ, बस साइंस के क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिले। साइंस मतलब लिमिटेड थी, हाँ। पहले की अपेक्षा कम थे। हाँ। अच्छा, ज्यादा आ रहे थे, 10-15 क्वेश्चन ऐसे कुछ आ रहे थे, पर अब इतने नहीं आए। ठीक है। और इसके अलावा जो आज को बोला कि जो करंट अफेयर का क्वेश्चन थे, वो थे या नहीं थे? है ना। चलो, कितने नंबर आपके? 62। चलिए, बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है आपका? आकाश शर्मा नाम है मेरा, यूपी से, आगरा। वाह शर्मा जी, ताजमहल से सीधे इंदौर। हाँ जी सर, पेपर है, जॉब के लिए आना ही पड़ेगा दूर। चलिए, तो कैसा रहा पेपर, इतना दूर का सफर और सफर के बाद पेपर? सफर अच्छा रहा, पेपर भी ठीक हुआ, 76 नंबर है। वाह यार, आपके बहुत अच्छे नंबर है, क्योंकि अभी तक जो नंबर सुन रहे थे वो 65-67 जो भी है, अब देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा शर्मा जी ये बताइए कि जैसे मैथ के क्वेश्चन थे, क्या लगा आज के मैथ के क्वेश्चन? मैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे हैं, 2-4 सेकंड का टाइम लगेगा, हो जाएंगे तुरंत। हाँ। और GS का पता नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं वो, GS कहीं से बता सकते हैं। अच्छा, मैथ रीजनिंग बाकी बहुत सरल आ रही है। अच्छा, मैथ कोई ऐसा पेपर टॉपिक जो जिसमें टाइम बहुत लगा हो मैथ या रीजनिंग में? नहीं, सिंपलीफिकेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादातर सिंपलीफिकेशन वाले में। हाँ, उसी में टाइम लग रहा है, क्वांटम में आ रहे हैं, उनकी पावर्स में आ रहे हैं, उसी में टाइम लग रहा है। अच्छा, रीजनिंग वाले में कोई ऐसा टॉपिक नहीं? रीजनिंग वाले में कैलेंडर के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कुछ नहीं है बाकी रीजनिंग में। रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग बढ़िया है। अच्छा, कोई आज त्रिभुज वाले ऐसे आए क्या? हाँ, त्रिभुज वाले भी आए थे आज, और शायद आयत वाले भी आया था, आयत वाले क्वेश्चन। अच्छा, आया था, त्रिभुज वाले 2-3 थे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा नहीं बता पाए करंट के बारे में कि करंट के क्वेश्चन थे नहीं थे, आपको क्या लग रहा? करंट का था शायद, एक आध था, ज्यादा नहीं, एक आध ही था, एक आध क्वेश्चन। हाँ। कोई ऐसा आपको लगा हो कि भाई MP में आए हम देने और MP के क्वेश्चन फंस गए थे? कि आज MP के थे, 2-3 क्वेश्चन MP के थे, 2-3 क्वेश्चन आज MP के थे, मतलब संख्या बढ़ी है पहले की। हाँ, अपेक्षा क्वेश्चन MP के थे, MP के मान लो, जी के कहीं के मान लो, तो चलिए MP के, जी के मान सकते हैं ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, तो सफर आज आपका शुभ हो। क्या नाम आपका? किरण। किरण, तो पेपर दिया, पेपर देने के बाद अब निकल रहे हो, घबराहट कम हुई? हाँ, थोड़ी कम हो गई। ठीक है, तो जितना पेपर दिया, इत्मीनान से बताना, जितना पेपर दिया उसमें आपको क्या लगा कि आज समय ज्यादा लगा पेपर देने में? नहीं, टाइम तो सही था, टाइम का कोई कमी नहीं है। हाँ, बस कैलकुलेटर था, सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे वो कैलकुलेटर थे, और कैलेंडर के 3 क्वेश्चन थे, वो भी मतलब बहुत क्लोज दिए थे उनके ऑप्शन में, आप मतलब तुक्का नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आपको आएगा तो ही आप कर सकते हो। और नंबर सिस्टम के 3 ही थे, बाकी का MP के थे 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, आज MP 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, और हिस्ट्री से नहीं, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से नहीं, कुछ करंट जो चल रहे थे नहीं, एक 2022 का आया था। अच्छा, 2022 का करंट अफेयर जो भी बच्चा बता रहा था। हाँ, है ना, 2022 का करंट अफेयर। हाँ। वाले क्वेश्चन चल रहे है कि नहीं। अच्छा, रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक जिसमें लगा हो कि आगे आने वाले बच्चों को मेहनत करनी चाहिए उस पे, और क्वेश्चन बदल गए? कैलेंडर, उस पर थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शन दे रहे हैं बट बहुत क्लोज दे रहे हैं। अच्छा, उस पर। और हाँ, कथन निष्कर्ष से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अल्फाबेटिक सीरीज से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और
पिछले 2-3 दिन में साइंस में क्वेश्चन ऐसे कुछ बने जिनमें ऊपर क्वेश्चन लिखता था और नीचे कई ऑप्शंस बनाता था, एक और दो, दो और तीन, ओनली एक एक ऑप्शन था। आज एक एक ऑप्शन वाला ही साइंस था। बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने मिले कुछ ऐसा? बायो से थे क्वेश्चन, बायो से थे, दो तीन क्वेश्चन थे। फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं देखे थे एक भी क्वेश्चन। ठीक है, जो साइंस लगभग 10-15 क्वेश्चन पहुंची थी उससे कम हो गई? हाँ, कम थी साइंस। कितनी हो गई होगी? लगभग 9 से 10 क्वेश्चन। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। क्या नाम आपका? मुस्कान जाटव। मुस्कान जी, तो आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आने वाले बच्चों को किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए? अब वही CIE से आ रहे हैं, CIESI, हाँ, नंबर सिस्टम, हाँ, उससे भी आ रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा पानी की टंकी या ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिला? रेल पानी की टंकी, हाँ, उससे रेल वाले से आ रहे हैं। रेल वाले से क्वेश्चन बन रहे हैं। नाव वाला कोई ऐसा? नाव वाला नहीं मिला। अच्छा, रीजनिंग का जो पोर्शन था, रीजनिंग के पोर्शन में लगातार कैलेंडर नहीं था, लेकिन 2-3 दिन से कैलेंडर चालू हो गया था। कैलेंडर चल रहा है। अगर मैं कहूँ 1 से 5 में अगर मार्किंग करना हो कि कितना कठिन थे कैलेंडर के क्वेश्चन? थोड़े, हाँ, थोड़े आई आ रहे हैं, लेकिन मैंने तो सब कर लिए थे। कर लिए हैं, हाँ, चलिए, बहुत मुझे, मैंने क्लास ली थी ना तो मुझे आ रहे थे। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई करंट का क्वेश्चन याद हो? करंट का एक तो 2022 का आया था और शायद एक 2021 का भी आया। MP से संबंधित कोई प्रश्न आए हो? हाँ, MP से थे दो तीन। क्या कल्चर वगैरह से थे या स्थान से संबंधित? स्थान से एक शायद मंदिर, हाँ, उसी से पूछ, नहीं शायद, याद नहीं आ रहा है मुझे। चलिए, कोई बात नहीं। कितने नंबर है आपके? 65। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो देखा भाई, क्या चेंजेस हुए देखने मिल गया, थोड़े बदलाव हुए, नंबर कल की अपेक्षा या 2 दिन की अपेक्षा थोड़े से नंबर बढ़ गए हैं, बदलाव हुए हैं। क्वेश्चन जितने कठिन कहे जा रहे थे या GS जितना कठिन कहा जा रहा था उसकी अपेक्षा कम है। MP जो पिछले 2-3 दिनों में या पहले से अपेक्षा अगर बोला जाए तो थोड़ी सी MP बढ़ चुकी है। मैथ में नए टॉपिक के रूप में नंबर सिस्टम, वही 4-5 क्वेश्चन आगे बढ़ चुके हैं। CIESI, ब्याज, ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न हैं। पानी की टंकी वाला ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन रेल से संबंधित प्रश्न मिले। रीजनिंग में अगर देखो तो दर्पण चल रहा है, दर्पण के साथ में मिरर वाले जो क्वेश्चन देखने पे कैसा दिखता है वो पूछे जा रहे हैं। मिरर के अलावा अगर देखो तो जो घड़ी वाला, एंगल वाला क्वेश्चन वो भी पूछे जा रहे हैं। अब मिसिंग नंबर्स नहीं थे, उससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं मिले अभी। इसके अलावा अगर बोलें तो अंतिम रूप से जो कैलेंडर है वो कल जो बढ़ा था वो आज भी है। कैलेंडर के क्वेश्चन 2-3 हैं, थोड़े से कठिन क्वेश्चन थे लेकिन किए जा सकते हैं समय दे करके। और साइंस के जो मार्जिन पहले ज़्यादा था वो थोड़ा सा कम हो चुका है। रिव्यू देखते रहें, आगे बढ़ते रहें, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।